हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 करिकुलम स्टडी को रिवाइज करेंगे कि यहाँ से कौन से टॉपिक है जो बार बार आ रहे हैं, कौन सी किताबें इसके लिए पढ़नी चाहिए और यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्या पैटर्न है यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, सिलेबस के साथ साथ देखते जाएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये भी जो है वो चार पार्ट में बटा हुआ है। अगर हम पार्ट ए से देखते हैं तो पार्ट ए से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अगेन आपका यूजीसी और एनसीटीई है। इसके अलावा हम करिकुलम की स्टेजेस को देखेंगे कि किस तरीके से करिकुलम को यहाँ पे बनाया जाता है। और ये आपको एक जनरली पता होना चाहिए कि फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल जो बेस होता है वो क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल बेस क्या होता है, फिलोसफिकल बेस क्या होता है और आपका सोशोलॉजिकल बेस क्या होता है, क्योंकि ये तीनों जो बेस है वो एजुकेशन के भी बेस है। तो इसलिए हमें ये क्लियरली डिफाइन होने चाहिए अपने आप में कि ये इसका मतलब क्या है। जैसे फिलोसफी है तो बहुत सारी फिलोसफी हैं, तो करिकुलम जो हम बना रहे हैं तो किस फिलोसफी को लेकर चल रहे हैं। इसे साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का मतलब टीचर सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, किस तरह की साइकोलॉजी को हम ध्यान में रखेंगे। पार्ट बी इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है आपका सीआईपीपी मॉडल, जिसको आपको एकदम नहीं छोड़ना है और सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत डिटेल में आता है और हर तरीके का क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और इसके अलावा जो मॉडल है कि करिकुलम को कैसे डेवलप करते हैं, तो ये याद करने हैं कि कौन कौन से मॉडल जो है वो डेवलपमेंट के हैं, डिजाइनिंग के हैं और कौन कौन से जो मॉडल हैं वो आपके यहाँ पर इवैल्यूएशन के हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद करके जाएं कि कौन सा किस में आता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सीआईपीपी मॉडल काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट तो देखते हैं पार्ट सी और डी। सी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मॉडल है वो यहीं पे दिए हुए हैं और ये जो मॉडल है वो बेसिकली किसके हैं, इवैल्यूएशन के मॉडल है। इवैल्यूएशन के मॉडल काफी पूछे जाते हैं, जिसमें टाइलर, स्टेक, स्क्रीबेन और किर्कपैट्रिक का मॉडल है। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे ये ट्रेनिंग का मॉडल है, ठीक है। टाइलर का मॉडल ऑब्जेक्टिव और गोल्स के लिए है, स्टेक का मॉडल किसके लिए है, स्क्रीप कौन सा, किसको हम गोल फ्री मॉडल कहते हैं, किसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, किसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात की गई, इनके स्टेप्स क्या है, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यानी कि इन मॉडल्स को चार को आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो मीडिया है, इसकी टेक्निक्स हैं, ये सब बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ करिकुलम चेंज। तो करिकुलम चेंज क्या होता है इसका कंसेप्ट आपको समझना होगा और यहाँ पर कौन सी अप्रोच हम लगाते हैं जिसके द्वारा हम करिकुलम को चेंज कर सकते हैं। तो बस ये दो टॉपिक यहाँ पे आप कर लें। तो इतना पार्ट फाइव में ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत कम चीजें हैं, काफी स्कोरिंग यूनिट है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से। पाठ्यचर्या की संकल्पना क्या है पता होनी चाहिए, इसके सिद्धांत क्या है, इसके अलावा यूजीसी एनसीटी क्या है, इनकी भूमिका क्या है। मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे सीआईपीपी मॉडल जो है आपका काफी इंपोर्टेंट है पार्ट बी में। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं पार्ट बी में दिए हुए हैं पार्ट सी में, तो ये जो सारे मॉडल हैं स्टेक, स्क्रीबेन, किर्कपैट्रिक और टाइलर का जो मॉडल है ये आपको एकदम से अच्छे से पता होने चाहिए। पाठ्यचर्या परिवर्तन क्या होता है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके उपागम क्या हैं, इतना टॉपिक आप देख लेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे जिस पे कंटिन्यूस क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट बुक्स या कौन सा स्टडी मटेरियल आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप जाइए गूगल के ऊपर, वहाँ पे लिखिएगा SLM जो होते हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी है, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि अपना उन्होंने PDF अपलोड किया हुआ है। जैसे मैं बात करूँगा नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इग्नू, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जाकर आप इनके SLM को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजिएगा इसी कमेंट करके, मैं आपको ये आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, सपोज हम करिकुलम पढ़ना चाहते हैं तो करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके मॉडल क्या हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया रहता है। इसके अलावा एक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है UPRTOU, राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी है। इसमें आप देख सकते हैं सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। इवन मेरे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारा मटेरियल आप देख सकते हैं, तो ये आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं निर्देशन परामर्श है तो इसको बड़े अच्छे से उन्होंने बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम सिर्फ करिकुलम की ही बात करें
तो आप इसके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पाठ्यचर्या विकास है एमएड का 205 वाला कोड वाला डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करिए, इसको पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्टडी तभी समझ में आएगी जब आप इसके क्वेश्चंस को थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन वाइज आंसर की बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक तो पहला क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर करिकुलम के जो एरियाज है उनको आपको पाठ्यक्रम के प्रति बौद्धिक सत्व इसमें आप तभी कर सकते हैं जब आपने ठीक से पढ़ा होगा। तो एक सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है करिकुलम चेंज क्या होता है और करिकुलम चेंज को कौन कौन प्रभावित करता है। तो करिकुलम चेंज क्या होता है वो हमने पढ़ जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन, जो पूरा का पूरा टीचर एजुकेशन है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये भी करिकुलम और टीचर एजुकेशन को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असेसमेंट और रीजनिंग का है कि आइडियलिस्टिक करिकुलम कैसा है, यानी कि जो करिकुलम का फाउंडेशन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, फिलोसफी सोशोलॉजी साइकोलॉजी। तो ये बेसिकली इन्होंने पूछ लिया है कि फिलोसफी का दो फाउंडेशन यानी कि रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। अगला यहाँ पे पूछा गया है टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक अपने तरीके से पढ़ाता है, तो इसे हम कौन सा तरीका मानेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल का कहा जाएगा, या ये आप यूनिट 4 का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और यूनिट 5 का भी क्वेश्चन। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही मिक्स तरीके की मिल जाएंगे आपको। अगला CIPP मॉडल से क्वेश्चन है कि CIPP मॉडल के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो पूरा CIPP मॉडल जब आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर CIPP मॉडल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर किस तरह के रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है, क्वालिटी का कंसेप्ट क्या है और करिकुलम का इससे क्या रिलेशनशिप है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अभी आए हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मैचिंग में आए हुए हैं कि CIPP मॉडल को मैच करना है, उसके कंपोनेंट्स को, टाइलर का मॉडल कौन सा है, स्क्रीबेन के मॉडल को ये क्यों कहा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन। पैटर्न इसका बस यही है कि आप एक बार पूरा बेसिक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट को नोट कर लीजिएगा, नोट करके अपना एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली भी हैं और समझने वाली भी हैं। तो जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको आप डिटेल वाला जो नोट्स आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें सिर्फ याद करने वाली हैं उसका शॉर्ट नोट तैयार करके उसको अलग से याद करना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, मैं एक दो दिन में आपको यूनिट 5th के प्रीवियस ईयर सारे के सारे अवेलेबल करा दूंगी, जितने अभी तक 2019 से लेकर 2023 में नए पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको एक या दो दिन में कंप्लीट दे दूंगी और उनको मैं लाइव डिस्कस भी कर दूंगी। अभी हमने यूनिट 4 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको भी मैं जल्दी करा दूंगी, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस यूनिट को नहीं पढ़ा है वो लोग एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था गाइस इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी, इसका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने सिलेबस बता दिया, स्कोरिंग यूनिट है मैं फिर कह रही हूँ अच्छी यूनिट है, और इसको आप प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड विल विश यू ऑल द बेस्ट।